हेलो गाइस, माय नेम इज मोहित काठपाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आईबीपीएस आरआरबी की नोटिफिकेशन आ चुकी है। इसी से जो बैंकिंग एग्जाम का सीजन है वो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि यही पहली नोटिफिकेशन होती है जिससे बैंकिंग एग्जाम्स की स्टार्टिंग होती है। तो अराउंड 8,000 के आसपास वैकेंसीज है, अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसीज है। ऑफिस असिस्टेंट स्केल 1, 2 एंड 3 ऑफिसर लेवल पे वैकेंसीज है। वो सारी वैकेंसीज में क्या क्या सैलरी रहने वाली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या करियर प्रोस्पेक्ट है, वो कम्प्लीट में डिस्कस करेंगे। तो पूरी एडवर्टीजमेंट पढ़ते हैं इनकी और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड इन्होंने मांगी हुई है जॉब में। तो स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे कि 3 लेवल पे वैकेंसीज है। ऑफिस असिस्टेंट की जो सैलरी है वो इन हैंड अराउंड 35,000 के आसपास आती है। ऑफिसर स्केल में जो सैलरी रहेगी वो 55 to 60,000 के आसपास इन हैंड सैलरी रहती है। ऑफिसर स्केल 2 में 75,000 और स्केल 3 में अराउंड 90 to 95,000 इन हैंड सैलरी रहती है। उसके बाद जो बेसिकली आरआरबीज हैं वो रीजनल रूरल बैंक्स हैं। जो भी आप गांव में बैंक्स देखते हैं ये वही बैंक्स हैं, ग्रामीण बैंक भी बोल देते हैं इनको। और ये आपको हर स्टेट में अलग अलग नाम से मिलेंगे। जैसे पंजाब का पंजाब ग्रामीण बैंक है, अरे केरला का कर्नाटका ग्रामीण बैंक है। तो ऐसे अलग अलग स्टेट्स में आपको अलग अलग ग्रामीण बैंक्स की ब्रांचेस देखने को मिलती हैं। और अगर आप इन बैंक्स में अप्लाई करना चाहते हो तो उनके लिए एक स्पेसिफाइड लैंग्वेज आपको प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, तभी आप, क्योंकि गाँव में क्या है कि लैंग्वेजेस बेस्ड लोग ज़्यादा आते हैं, उसी पर्टिकुलर रीजन से उसी पर्टिकुलर लैंग्वेज जो पॉपुलर ज़्यादा होती है। तो इसीलिए इनमें क्या होता है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपको उस लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी भी होनी चाहिए जिस भी ग्रामीण बैंक के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। तो ये इन्होंने स्टार्टिंग में एडवर्टीजमेंट के ये एडवर्टीजमेंट आपको कहाँ पे मिलेगी और कैसे अप्लाई करना है वो वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एडवर्टीजमेंट के स्टार्टिंग में इन्होंने बता रखा है कि कौन कौन से बैंक में आप अप्लाई करना चाहते हो, जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हो उस स्टेट के लिए आपको कौन सी लोकल लैंग्वेज जो है उसमें प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। तो अगर आप बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक से में अप्लाई करना चाहते हो और गुजरात से हो तो आपको गुजराती आनी चाहिए, गुजराती में प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए, फिर ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकोगे। इसके लिए उन्होंने एक बेसिक सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख दिया कि अगर आपने 8th लेवल तक गुजराती पढ़ी हुई है तो आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हो इस बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक को अप्लाई करने के लिए। उसके बाद अब बात करते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो ग्रेजुएशन ही मांगी हुई है इन्होंने। और एज की बात करें तो एज जो ये कैलकुलेट करने की डेट है वो 1 जून 2023 है। और ऑफिसर स्केल 3 के लिए इन्होंने अप टू 40 ईयर्स एज मांगी है, 2 के लिए अप टू 32 ईयर्स एंड फॉर ऑफिसर स्केल 1 दे आस्क फॉर कैंडिडेट्स अप टू बिलो 30 ईयर्स, फॉर ऑफिस असिस्टेंट इट इज 28 ईयर्स। और इन्होंने साथ मेंशन भी कर दिया हुआ है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो किन किन डेट्स के इन बिटवीन होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन वो कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे टेबल मेंशन है, आप जिस भी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंगली आप एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। ऑफिस असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री मांगी है इन्होंने, ऑफिसर स्केल 1 के लिए भी बैचलर डिग्री करी होनी चाहिए आपने, और साथ में अगर इनसे भी आपने इन फील्ड से भी बैचलर डिग्री करी है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। ऑफिसर स्केल 2 के लिए इन्होंने एक्सपीरियंस मांग लिया हुआ है, ऊपर वाली दो पोस्ट जो ऑफिस असिस्टेंट और स्केल 1 की पोस्ट है इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं इन्होंने मांगा हुआ, बट ऑफिसर स्केल 2 के लिए और 3 के लिए इन्होंने एक्सपीरियंसेस मांगे हुए हैं। ऑफिसर स्केल 2 जीबीओ की वैकेंसीज होती है जिसमें आपने बैचलर डिग्री करी होनी चाहिए और साथ में आपको 2 ईयर यानी ऑफिसर का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। ऑफिसर स्केल 2 में स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की वैकेंसीज भी हैं, उनके लिए इन्होंने पर्टिकुलर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और या फिर लॉ की डिग्री या फिर अगर आप आईटी में आईटी से हो तो आईटी की डिग्री इन्होंने मांगी हुई है और साथ में एक एक साल का एक्सपीरियंस भी आपको होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड में, तभी आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली स्केल 2 के। और ऑफिसर स्केल 3 की बात करें तो बैचलर्स डिग्री इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मांगा है और मिनिमम 5 ईयर्स एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर इन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में मांगा हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं फीस की।
बेसिकली अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हो तो आपकी सिविल भी 650 एंड अबव होनी चाहिए, ओनली देन यू विल बी एलिजिबल फॉर फाइनल ज्वाइनिंग इन दिस पोस्ट। तो अगर आपकी सिविल अच्छी नहीं है तो फिर आप फॉर्म ही रहने देना भरने के लिए, तो पैसे वेस्ट हो। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, जो सबके लिए एप्लीकेशन फीस है फॉर जनरल कैंडिडेट्स वो दैट इज 850 रुपीज़, एंड फॉर एस सी एस टी एंड पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट दैट इज 175 रुपीज़। बात करते हैं जो जहाँ पे इन्होंने एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ, तो वहाँ पे इन्होंने टू टायर रिक्रूटमेंट टेस्ट लिया है, एक तो प्री एग्जाम होगा और फिर मेंस एग्जाम होगा। प्री एग्जाम का जो सिलेबस है वो ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिस स्किल वन का वो ऑलमोस्ट सेम ही है और पैटर्न भी सेम ही है। 40-40 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी से, और 45 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा इस एग्जाम के लिए। फिर मेंस एग्जाम की बात करी जाए तो ये 5 सब्जेक्ट्स आएंगे और कंपोजिट टाइम मिलेगा आपको 2 आवर्स का, और वो आपको उसमें ये सारा एग्जाम अपीयर करना होगा। ऑफिसर स्केल वन का भी सेम ही है मेंस एग्जाम। उसके बाद करते हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स और जो स्केल टू और स्केल थ्री के लिए, इनमें जो वैकेंसीज हैं उसमें सिंगल टायर एग्जाम ही होगा आपका, और वो सिंगल टायर जो एग्जाम होगा उसका जो पैटर्न इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया हुआ है। जो तो जीबीओ की वैकेंसीज हैं उसमें तो ये 5 सब्जेक्ट्स आने हैं, और इन सब्जेक्ट्स में से आपका एग्जाम लिया जाएगा और कट ऑफ निकलेगी। और जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स हैं उनको इन 5 सब्जेक्ट्स के अलावा आपका प्रोफेशनल नॉलेज का अलग से एक सेक्शन है, उसके रिगार्डिंग भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और स्केल थ्री के लिए भी ये जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, रीजनिंग और जनरल जो मेंस का सिलेबस रहता है उसी में से क्वेश्चन आपको आएंगे। बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स के लिए आप डायरेक्टली यहाँ से 37 पेज पे जा सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे कि जो स्टार्टिंग डेट है दैट विल बी दैट इज 1 जून, और ये 21 जून तक विंडो ओपन रहेगी अप्लाई करने के लिए। जो आपका एग्ज़ाम होगा वो अराउंड अगस्त में होगा प्री एग्ज़ाम, और जो मेंस का एग्ज़ाम होगा वो आपका सितंबर के आसपास होगा। और ये डेट्स थी, और नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे बाइफरकेशन आगे दी हुई है कि आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करना चाहते हो उस स्टेट में कितनी वैकेंसीज है, और कैटेगरी के हिसाब से भी बाइफरकेशन आगे दे रखी है। तो ये सारी बाइफरकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग स्टेट्स के लिए। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई की, कि अप्लाई कैसे करना और ये आपको रिक्रूटमेंट पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी। जब भी आप IBPS RRB लिखोगे गूगल पे तो IBPS की वेबसाइट का लिंक ओपन हो जाएगा, नंबर 1 टॉप पे लिंक ओपन हो जाएगा। उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आप IBPS की वेबसाइट पे पहुंच जाओगे RRB वाली, और यहाँ पे इन्होंने एडवर्टीजमेंट भी दे रखी है और अप्लाई करने के लिए भी दे रखा है, जहाँ पे आप अलग अलग वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। सपोज कि आपको ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है तो आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, और लिंक पे क्लिक करने के बाद क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे, और यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स है ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद, पेमेंट करने के बाद आप अप्लाई कर दोगे। तो अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हो और बैंकिंग बैंक में काम करना चाहते हो, आई थिंक दैट दिस इज़ ए गुड अपॉर्चुनिटी। और अगर आपका कोई रिलेटिव इस चीज़ की प्रेपरेशन कर रहा है तो आई थिंक दैट यू शुड शेयर दिस वीडियो टू योर रिलेटिव एज वेल। तो काइंडली अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो काइंडली लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड काइंडली सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच।